शान फरमाओ इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो आलिया तेरा कर कबीर के साथ बात करती है। इससे कहते कबीर आप मेरी बात मानेंगे तो आलिया जब ये बात करती तो कबीर कहते हैं कि जी भाभी जान आप जो बात भी कहेंगे आपकी मैं बात मानूंगा, पहले भी आपकी किस बात से मैंने इनकार किया है। तो फ़ौरन वहाँ पर जवाब देती है उससे कहती कि आप ऐसा करेंगे फलों को यहाँ पर लेकर आ जाओ उससे अलहदा घर लेकर दे दें, मैं किसी भी सूरत में घर में इख्लाफात नहीं चाहती। तो इससे बातें जब सुनते हैं जहाँ पर कबीर और साफ अल्फाज में इनकार कर रहे तो उससे कहता है आपकी हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन ये बात आपकी किसी भी में मैं नहीं मानूंगा, प्लीज़ मैं उसको लेकर नहीं आ सकता, इस बात पे मुझे मजबूर मत करें। आलिया कहती है कि आप इस घर में खुशियां चाहते हैं तो आपको इससे बात हर सूरत में माननी पड़ेगी, बस मेरी यही बात है, प्लीज़ आप मुझे इस बात से इनकार मत कीजिएगा। तो जहाँ पर वो कहते कि अच्छा ठीक है मुझे अब सोचने का वक्त दे दें, आलिया कहते कि सोचने का वक्त जो था वो गुजर चुका है, आपको भी सोचने का वक्त नहीं है, अब हर सूरत में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसे लेकर आना पड़ेगा। बस हम नहीं चाहते घर के अंदर किसी किस्म की कोई इख्तलाफात हो, घर में किसी किस्म के कुछ मसले मसाइल पैदा, आपको जब हर सूरत में जहाँ से जाना पड़ेगा। तो कबीर कहते हैं अच्छा अच्छा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो कुछ करता हूँ मसले का हल जो है वो निकालता हूँ जाता हूँ। आलिया कहते हैं तुम आज ही जाओगे। दूसरी तरफ आप लोगों को जैसे भी इंटरेस्टिंग और कमाल का सीन देखने को मिलेगा, समझाने की कोशिश करती है जहाँ पर नावल और फलक और से कहती है कि देखो कि मसले मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात मानो, तो अपने आप को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करो और इन हालात से अपने आप को निकालो, इस शर्त तुम रहोगी ना तो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। तो जहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार करते थे उससे कहते कि देखो कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी लेकिन मैंने जो फैसला करना था कर लिया, मैं किसी भी सूरत में जो है वो नहीं रह सकती वहाँ पर आलिया के साथ, अगर मुझे लदा रखेगा तो फिर तो ठीक है वरना मैं नहीं रहूँगी, मेरा यही बात है और मैं इस बात से पीछे नहीं हटूँगी। ये बात करके वहाँ से चली जा रही। कबीर जाते फलों को लेने के लिए तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, अब अगर घर के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ फलक कहती है कि कबीर देखो जब तक आलिया उस घर में रहेगी तो मसले मसाइल खड़े रहेंगे, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, बस मेरी बात माने तो मुझे लदा घर लेकर देने। कबीर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भाई को अब इश्क मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता हूँ।